Hello, welcome back. So we already done with how to download Scratch 2.0. Now we are going to understand कि once you done with your download तो हमें इस तरीके से पेज ओपन होगा हमारा and we'll understand. सबसे पहले हम टॉप ऑफ द मोस्ट में देख रहे हैं मेन्यू. मेन्यू में क्या है, let understand. यहाँ पर स्क्रैच का नाम है, यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है एंड फाइल. फाइल में अगर मुझे न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पर जाना है, फिर सेव नाउ, सेव एज अ कॉपी, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन. हम यहाँ पर ये हम प्रोजेक्ट के बनाते समय देखेंगे कि इनको हमने कैसे करना है जूनियर. ओके किड्स, उसके बाद है एडिट. एडिट में टर्न ऑन टर्बो मोड, ये भी मैं बताऊंगी जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. उसके ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पर दिए हुए. एंड जैसे कि आज हम प्रोजेक्ट सबसे पहले बनाने वाले वेरी इंटरेस्टिंग, डेट इज द नेम कार्ड. हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेम कार्ड कैसे बनाना है, विल सी स्टेप बाय स्टेप. उसके बाद अगर मेरा प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम उसको शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी मेंबर्स से. एंड ऑन द टॉप ऑफ द मास्ट टॉप मेन्यू में देख रही हूँ सी प्रोजेक्ट पेज, वो भी हम देखेंगे. एंड उसके बाद फोल्डर है, जो भी मैं जैसे मैंने अपना टाइटल दे दिया है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मुझे नेम कार्ड बनाना है, तो वो फोल्डर यहाँ सेव हो कर दूंगी मैं, सो डैट की प्रोजेक्ट हम यहाँ पर सेव करेंगे, फिर अपलोड करके विल शेयर. एंड यहाँ पर आपका सारे फोल्डर्स बने. उसके बाद जो भी आईडी से आप जो भी नाम से क्रिएट करेंगे, आप इंस्ट्रक्टर रजनी जैसे मैंने दिया, तो इस तरीके से आपका भी नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पर लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में कोड. कोड इज बेसिकली ब्लॉक डिस्क्रिप्शन. ब्लॉक डिस्क्रिप्शन आपको कलरफुल्स में दिया है. सबसे पहले है मोशन. मोशन में इस तरीके से डिस्क्रिप्शन है ब्लॉक के, जो हम जैसे ये नेम कार्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम इनके यूजेस देखेंगे. अभी से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसमें क्या क्या है. मोशन के बाद लुक्स है उसके, उसमें भी इस तरीके से. और यहाँ पर एक चीज देखिए, जो कलर है वही कलर के हमारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ब्लॉक भी कलर वही सेम मिलेंगे. एंड साउंड उसमें देखिए वायलेट कलर यूज किया है, तो हमें इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि हमने यहाँ पर जब हम ब्लॉक पिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें ये कलर से पता चल जाएगा कि हमने कहाँ कौन सा यहाँ पर ब्लॉक क्लिक किया है और उसमें ये वाला हमारा इंस्ट्रक्शन मिलेगा. एंड इवेंट, इवेंट में ये सब है. उसके बाद है कंट्रोल. कंट्रोल में भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे. फिर सेंसिंग है जो ब्लू कलर में है, फिर ऑपरेटर्स है, फिर वेरिएबल्स है, माय ब्लॉक. हम ये सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके किड्स, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में कोड है. उसके बाद जूनियर नेक्स्ट दिया हुआ कॉस्ट्यूम. अब कॉस्ट्यूम में हमारे कैरेक्टर जो भी हम चूज करेंगे, जैसे कि स्प्राइट जो भी यूज करेंगे, वो हम यहाँ पर जब भी प्रोजेक्ट करेंगे विल सी द डिफरेंस. और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मैं बता देती हूँ. अभी जैसे मैंने कोई स्टोरी डिसाइड की है और मैं चाहती हूँ ये कैरेक्टर लेफ्ट साइड देखे, तो हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इट विल चेंज. अगर मुझे कैरेक्टर राइट साइड में चाहिए उसका फेसिंग, आई कैन डू फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं हम. और ये ऐसे ही हम सारे यूज कैसे करें, अगर मुझे यहाँ पर कलर भी चेंज करना है, इसको यहाँ पर टू सेकेंड कलर दूसरा देना है, तो आई कैन यूज दैट ऑल्सो. यहाँ पर बहुत सारी चीजें यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप व्हाइल वी डूइंग प्रोजेक्ट्स. उसके बाद है साउंड. अब कोई भी प्रोजेक्ट हो हमें बैकग्राउंड साउंड तो चाहिए, तो हम साउंड में जाएंगे एंड यहाँ पर हम अपना साउंड चूज कर सकते हैं. यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, फास्टर, स्लोअर, लाउडर, सॉफ्टर, म्यूट, फेड इन, फेड आउट, रिवर्स रोबोट. सो इस तरीके से है हम कैसे यूज करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे. सो यहाँ साउंड में ये सब ऑप्शन है. अब जो भी जैसे ये कैरेक्टर कैट है, इधर इसका नाम स्प्राइट है प्रोजेक्ट में, तो उसका साउंड यहाँ पर ऑप्शन दिया है. और यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि हमें एक नहीं है, उसका एक फोल्डर मिलेगा, तो वो हमें साउंड में मिलेगा. तो चूज अ साउंड, अगर मुझे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट अगर मेरा कैरेक्टर एनिमल है तो मैं यहाँ एनिमल में जाके जो भी मुझे साउंड चाहिए आई कैन चूज ओवर हियर. उसके बाद अगर मेरा इफेक्ट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो मैं इफेक्ट रिलेटेड साउंड चूज करूंगी जूनियर्स. अगर मेरा लूप्स रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो आई विल चूज लूप साउंड ओवर हियर. उसके बाद है नोट्स. अगर नोट्स के रिलेटेड है तो आई कैन चूज दिस साउंड.
अगर पर क्वेश्चंस के रिलेटेड है मेरा, तो मैं इस तरीके इसमें से कोई चूज करूंगी सा। अगर मेरा स्पेस के रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ से जाके चूज कर सकती हूँ। अगर ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड बैकग्राउंड साउंड दे सकती हूँ। अगर मुझे वॉइस रिलेटेड लेना है, पार्टी नॉइस चाहिए, चेयर का साउंड चाहिए, सपोज एक जैसे थीम मैंने दिखाया था, बैकड्रॉप हम देखेंगे। अगर स्टेज के रिलेटेड और पब्लिक का शाउट चाहिए तो आप वॉइस में से वो चूज कर सकते हैं। और लास्ट वन इज अ वैकी साउंड, जो आप इसमें भी चूज कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन ही है। अगर आपको ऑल में सब देखना है तो सिंपली क्लिक इन ऑल एंड यू कैन फाइंड एवरीवेयर। अगर आपको नाम पता है एंड अब जैसे यूज टू हो जाएंगे तो हमें धीरे धीरे सब नाम याद होंगे, तो हम डायरेक्टली वी कैन गो सर्च एंड वी विल फाइंड। अभी हमें बैक टू पेज जाना है तो लेफ्ट साइड में बैक ऑप्शन दिए एरो, इस पर क्लिक करेंगे विल बी बैक टू अ प्रोजेक्ट। तो साउंड का हमने देखा, अब उसमें सर्च, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर साउंड का नेम पता है तो आप जैसे कैट का म्याऊ है, एंड अब मैं यूज टू हो चुकी हूँ, मुझे पता चल गया म्याऊ इज कैट का साउंड है, तो आई कैन डायरेक्टली क्लिक और मैं वहां पर साउंड जाऊंगी, मुझे फोल्डर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट आप अगर आपका कैरेक्टर है तो यू कैन यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड, एंड वो भी हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सरप्राइज है, वो भी हम प्रोजेक्ट में देखेंगे। उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है कि आपको लिमिटेड चॉइस नहीं है, आउट ऑफ लिमिट भी है कि अगर आपको अपलोड साउंड करना है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे गूगल से जाके सर्च करना है साउंड और डिफरेंट चाहिए, बाय डिफॉल्ट वाले नहीं चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके जूनियर्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी हम बैक टू पेज जाते हैं। अब मैं कोड वाले पेज पे आ गई हूँ, तो ये हम समझ चुके हैं कोड में। अब हमें जो भी ब्लॉक से यहाँ से पिक करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके किड्स, रिमेम्बर हमें लेफ्ट साइड से कोड डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जो भी हम ब्लॉक पिक करेंगे वो हम लेफ्ट साइड से करेंगे। ओके उसके बाद कॉस्ट्यूम भी अगर हमें चेंज करना है, कलर, मुझे कैरेक्टर का फेस चेंज करना है, इधर लेफ्ट एंड राइट देना है, वो भी हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर मेरा चॉइस है साउंड पे चूज करना है, वो भी हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा। ओके तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वी है ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कि हमें लेफ्ट साइड में जाके ये सारे ऑप्शन यूज करना है। अब ये जो एरिया है, दिस इज योर स्क्रिप्टिंग। यस, स्क्रिप्टिंग इज बेसिकली जैसे आप नोटबुक में कुछ भी राइटिंग, क्वेश्चन आंसर्स कहाँ पर लिखते हैं, हम बुक में लिखते हैं, इसी तरीके से आपकी जो भी ब्लॉक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होंगी वो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग में होंगी। आपका जो भी आप इधर डायलॉग्स देंगे, एक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, वो यहाँ पर आपको करना है स्क्रिप्टिंग। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने सपोज इस मेरा कैरेक्टर यहाँ स्प्राइट दिख रहा है आपको यहाँ पर भी, यहाँ पर अब मैं ये ब्लॉक को इस तरीके से, देखो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ब्लॉक को पिक किया एंड आई ड्रॉप्ड। तो ये इस तरीके से आपका ये इंस्ट्रक्शन, आप जो भी यहाँ पर कलरफुल हम कैसे यूज करेंगे ब्लॉक्स यहाँ पर, कैसे ड्रैग करके ड्रॉप करके स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, वो हम यहाँ स्क्रिप्ट एरिया में सब यहाँ पर ही हमको करना है। और एक इंटरेस्टिंग बताती है, अगर सपोज मुझे ये थोड़ा छोटा लग रहा है एंड आई वांट टू सी इन अ लार्ज साइज, तो मैं जूम इन यहाँ पर जो आइकॉन दिए हुए प्लस वाला, आई विल सिंपली क्लिक, तो मेरा जो ब्लॉक है वो बड़ा बड़ा साइज होता जाएगा। अब मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो आई कैन मिनिमाइज ऑल्सो बाय यूजिंग दिस आइकॉन माइनस वाला। अगर मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सेंटर में रहे तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। स्क्रिप्टिंग मेरा जो ब्लॉक है वो सेंटर में पूरा, और जितने भी मैं इधर दूंगी वो सब सेंटर में आ जाएंगे। अब हमने समझ लिया है कि ये एरिया इज अ स्क्रिप्ट एरिया। अब जो भी हम स्क्रिप्ट करते हैं, हम पिक्चर कहाँ से देखेंगे, राइट किड्स? सो जूनियर्स, हमको वो ये स्टेज में देखना है। अब यहाँ पर जैसे मैं स्टेज देख रही हूँ, मैं स्प्राइट को अब जैसे मैंने स्क्रिप्ट कर दिया, एक छोटा सा आपको दिखा देती हूँ, सो यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर मैंने जैसे कैरेक्टर को क्लिक दिया, वो स्टेप्स लेके चलने लग गया है। इसी तरीके से यहाँ पर स्क्रिप्ट करना है, ये स्टेज में परफॉर्मेंस देखेंगे। और ये ग्रीन फ्लैग है जिसको हम गो बोलते हैं, स्टॉप को मीन्स रेड कलर में स्टॉप रहेगा, वो कैसे यूज करेंगे वाइल बी मेकिंग अ प्रोजेक्ट। अभी जैसे मुझे ये स्टेज बहुत बड़ा लग रहा है, मुझे उसको मिनिमाइज थोड़ा और छोटा करना है, तो आई कैन डू दैट। और स्क्रिप्ट एरिया मैं बड़ा भी कर सकती हूँ।
अगर मुझे लग रहा है नहीं आई वांट इक्वल इक्वल रेशियो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से चेंजेस मिलते हैं. आप स्टेज भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, स्क्रिप्ट एरिया को थोड़ा छोटा कर सकते हैं. अगर मैं अब जैसे मेरी स्टोरी बन गई, मैंने फाइनल कर दिया, हम लोगों ने अब सीख लिया कि मैंने एक स्टोरी एनिमेटेड बना ली है, अब मुझे उसको प्ले करना है. तो मैं ये फुल स्क्रीन ऑप्शन पे कंट्रोल पे क्लिक करूंगी एंड ये ग्रीन फ्लैग कब यूज करेंगे देखेंगे हम आगे, और उसके क्लिक करूंगी, यहाँ मेरी पिक्चर रील स्टार्ट हो जाएगी. और यहाँ पर अगर मुझे इन बिटवीन स्टॉप करना है, आई कैन डू दैट ऑल्सो. अब मुझे बैक जाना है तो मुझे फिर से फुल स्क्रीन कंट्रोल पे सिंपली क्लिक करना है एंड आई विल बी बैक टू माई पेज. अब हमने ये देख लिया, अब हमको कैरेक्टर कहाँ से मिलेंगे? बैकड्रॉप भी तो चाहिए ना, हमें बैकग्राउंड थीम भी चाहिए, तो वो सिंपली आपको मिलेगा यहाँ पर. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका स्क्रीन है एंड ये होता है आपका स्टेज. जो भी आप स्क्रिप्टिंग करेंगे यहाँ परफॉर्मेंस सीखेंगे, और यहाँ उसके बिलो में स्प्राइट वन. अब मेरा कैरेक्टर जो भी है उसका नाम यहाँ पर दिखेगा, एक्स एंड वाई. तो ये एरिया को हम एक्स बोलते हैं एंड दिस इज योर वाई. अब मैं जैसे ही इसको चेंज करूंगी इसका ये भी चेंज होता जाएगा. अब ये यूज करेंगे जब हम एनिमेटेड स्टोरी बनाएंगे. और ये ऑप्शन है आपका स्टेज, और स्टेज में बैकड्रॉप कौन सा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग आ गया है बैकड्रॉप. तो पहले मैं ये बताया तो ये शो एंड हाइड ऑप्शन है. अगर मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ, अगर मेरी कोई स्टोरी में थीम है कि मिस्टर इंडिया बन जाएगा मेरा स्प्राइट, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो बाई यूजिंग दिस सिंपली हाइड एंड शो क्लिक. ओके, एंड अब मैं शो रखती हूँ सो दैट यू कैन सी. अब मैं बताती हूँ उसमें अगर मुझे साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है तो सिंपली साइज में जाके आप डिक्रीज कर सकते हैं. अगर मुझे बड़ा साइज करना है सो वो भी मैं कर सकती हूँ. ये हमारे ऊपर चॉइस है, हमारा पिक्चर जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा उसके बेस पे है. उसके बाद है डायरेक्शन. अगर मैं चाहती हूँ मेरा कैरेक्टर का डायरेक्शन 90 डिग्री है भी, सो अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अप मूवमेंट, सपोज मेरा बैकड्रॉप एक हील में चल रहा है, तो आई कैन यूज दिस डायरेक्शन दैट टाइम, और मैं उसको बता सकती हूँ. एंड जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरा कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, और बैकड्रॉप है जैसे कि वो हील. तो अभी एक सिंपली हम देख लेते हैं सो और भी मजा आएगा आपको देखने में. ठीक है, डायरेक्शन हम इस तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. और बैकड्रॉप, अब फाइनली हम बैकग्राउंड हमारी इम्पोर्टेंट रहता है स्टोरी में, तो चूज अ बैकड्रॉप. तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगी तो इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमें स्क्रैच में ही बाय डिफॉल्ट. तो हम इसमें से कोई भी बैकड्रॉप चूज कर सकते हैं. एंड हियर यू कैन सी सो मैनी थीम्स आती है बैकड्रॉप. ओके किड्स, अब हम मैं इसमें और बता देती हूँ कि चूज अ बैकड्रॉप में बहुत सारे ऑल में सब दिखेंगे. अगर पर्टिकुलर जाना है तो फैंटास्टिक में क्लिक कीजिए तो आपको ये ऑप्शंस मिलेगा. अगर आपकी थीम बैकग्राउंड की म्यूजिक रिलेटेड है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो भी आप ये वाले थीम यूज कर सकते हैं. अगर आउटडोर के रिलेटेड है तो आप ये वाले थीम यूज कर सकते हैं. अगर आपकी थीम इनडोर के रिलेटेड है तो इनडोर के रिलेटेड आप कोई भी थीम चूज कर सकते हैं. अगर स्पेस के रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको स्पेस में चॉइस करना है. अंडर वाटर में है तो यू कैन यूज. अगर पैटर्न है, अगर आपको एक ग्रीटिंग बनाना है एंड यू वांट टू प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ कार्ड टू समबडी, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. एंड सर्च में सिंपली इफ यू नो, अगर जैसे हार्ट और लाइट आपको याद ही हो गया होगा, तो अगर मुझे वो थीम ले रही हूँ तो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन द सर्च एंड फाइंड आउट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पर्टिकुलर फोल्डर. ओके जूनियर्स, नाउ अगेन रिमेम्बर, बैक जाने के लिए हमें जाना है लेफ्ट साइड, ब्लैक लेफ्ट साइड में ब्लैक वाले बैक वाले हम क्लिक करेंगे, विल विल बी बैक टू अ प्लेस. नाउ इंटरेस्टिंग, ये हो गया आपका बैकड्रॉप के रिलेटेड टॉपिक. अगर मुझे, मैंने जैसे कहा कि बैकड्रॉप के रिलेटेड मुझे पता है कि मुझे हार्ट और अगर मुझे वो थीम यूज करनी, तो आई कैन डायरेक्टली सिंपली क्लिक करूंगी एंड सर्च में नाम डालूंगी तो आई कैन डायरेक्टली गेट माय थीम इमीजिएटली. एंड उसके बाद और इंटरेस्टिंग है पेंट. अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड मैं खुद डिजाइन करूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं ये ऑप्शन यूज करके. सरप्राइज में आपको यूज करेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. अपलोड बैकड्रॉप. अब मान लीजिए मुझे बाय डिफॉल्ट स्क्रैच से बैकड्रॉप नहीं चाहिए, तो सिंपली हम गूगल में जाके हम अपने चॉइस का और ऑप्शन यूज करके अब यहाँ पर
अपलोड बैकड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लो आपके पास कुछ फोटो क्लिक्स हैं, आपने जैसे किसी प्लेस में घूमने गए, आपको वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस ऑप्शन यू कैन यूज दैट टाइम। उसके बाद यहाँ पर दिया है चूज अ स्प्राइट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। सो अगर मुझे अपना कैरेक्टर चूज करना है तो मुझे ये फोल्डर में जाना, चूज अ स्प्राइट, और ऑल में हम हर टाइप के कैरेक्टर्स को यहाँ देख सकते हैं। एनिमल्स है, पीपल्स टाइप के हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, लेटर्स भी हैं, आगे जाके मिलेंगे हमें, देखिए तो सो मेनी ऑप्शंस हैं। बट मेरा प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर थीम है, मैं एक फॉरेस्ट रिलेटेड एनिमल रिलेटेड बना रही हूँ, तो सिंपली हमें क्या करना है, एनिमल में जाना है, और मैं उतना सब देखने से अच्छा मैं पर्टिकुलर एनिमल फोल्डर में जाके मेरा एक पिक्चर स्प्राइट चूज कर सकती हूँ। अगर आप देख सकते हैं आपको इसमें कितने टाइप के स्प्राइट हैं, जो कॉस्ट्यूम में हो सकता है, जैसे इसमें मेरी स्टोरी है कि जो बियर है वो खड़ा हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमें पता, जैसे ये मूवमेंट नहीं दे रहा, तो मतलब ये सिंपल एक ही स्प्राइट है यहाँ पर। उसके बाद है पीपल। अगर मेरा बैकग्राउंड थीम रिलेटेड स्पोर्ट्स का है, तो यहाँ पर पीपल रिलेटेड है, तो मैं उसमें से चूज कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए, डांसिंग वाला चाहिए या स्पोर्ट्स रिलेटेड वाला पर्सन चाहिए, तो आई कैन सिंपली चूज फ्रॉम हियर पीपल। अगर फैंटेस्टिक के रिलेटेड है तो आई कैन चूज एनी वन ऑफ दिस। एंड इफ डांस रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मैं खुद की फोटो डाल रही हूँ और आई एम डूइंग सम डांस, मेरे पास कुछ तीन चार कलेक्शन है फोटो के अलग अलग डिफरेंट पोजेस के, तो आप वो भी चूज यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। उसके बाद है म्यूजिक। अगर मेरा प्रोजेक्ट म्यूजिक रिलेटेड है तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, मेनी ऑप्शंस आते हैं। एंड अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एंड चूज अ स्प्राइट, अगर आपको फूड के रिलेटेड है तो यू हियर इज ऑप्शंस आते हैं गिवन मैनी। अगर फैशन रिलेटेड है तो फैशन रिलेटेड के, अगर लेटर्स के, जैसे अगर आपको बर्थडे कार्ड बनाना है, जैसे मैंने कहा नेम कार्ड हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे, एंड वो स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे कि हमें कौन सा ब्लॉक किसके रिलेटेड यूज है, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम नेम कार्ड, तो मैं लेटर यूज करके आपको बताऊंगी कैसे ब्लॉक्स यूज करना है। एंड सिंपली वंस अगेन, अगर आपको नाम का पता है, आप जैसे ब्लॉक ए बी सी डी यहाँ पर दी है, अब मुझे यहाँ पर लेटर चाहिए, मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फोल्डर आई कैन डायरेक्टली टाइप एंड आई कैन फाउंड सर्च में जाके सिंपली क्लिक कर सकती हूँ। नाउ इफ अगेन आई वांट टू बैक टू माय पेज, अगेन लेफ्ट साइड बैक ऑप्शन पे एरो वाला लेफ्ट साइड में है, आई विल सिंपली क्लिक, आई विल बी बैक टू माय प्लेस। ओके सो अब जैसे कि इसमें ऑप्शन है, अगर मैंने बताया जैसे नाम आपको पता है तो यू कैन चूज अ स्प्राइट में सर्च करके डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको पेंट करना है अपने कैरेक्टर को खुद से, तो वो भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर सरप्राइज रिलेटेड है तो सरप्राइज रिलेटेड कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर है तो आप अपलोड स्प्राइट में जाके आप खुद के कुछ फोटोज यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि हमको नेम कार्ड कैसे बनाना है एंड हाउ विल यूज। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट।